नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है विरार से, जहां विरार में कल रात को दो लोगों की आपस की लड़ाई में तीसरे एक व्यक्ति की मौत होने के बाद में इस मामले में काफी तूल पकड़ लिया। दरअसल मामला ऐसा है कि विरार पूर्व में दो लोग किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे, तब मृतक मुन्ना झा जो कि 29 साल का है उनके बीच बचाव में गया, तब आपस में लड़ाई झगड़े में उस मृतक को पीट पीट कर मार डाला गया। और लोगों का ऐसा आरोप है कि जहां यह घटना घटी उसके थोड़ी ही दूरी पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और ये इस तरह से घटना घटित हुई। इस मामले के बाद में जब रात को ये मर्डर हुआ, उसके बाद सुबह मृतक मुन्ना झा के परिवार वाले और उस आसपास के क्षेत्र के लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरार पुलिस स्टेशन के बाहर तनाव का माहौल पैदा हो गया। विरार पुलिस स्टेशन और आला अधिकारी विरार पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने मामले पर नजर बनाए रखी है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान पुलिस का सामने नहीं आया, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से आई वो जानकारी हमने आपको बताई है कि दो पक्षों के झगड़े के बीच में मृतक जब बीच बचाव के लिए गया था तब उसको वहां पीट पीट कर मार डाला गया था और घटना से थोड़ी ही दूर पर पुलिस मौजूद थी, ऐसा लोगों का आरोप है। इसकी सच्चाई तो पुलिस जांच में ही मालूम पड़ेगी क्या है। आला अधिकारी जो है वो मामले पर नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन लोग आक्रोशित है। तो आप ये घटना देख रहे हैं, घटना है विरार पुलिस स्टेशन की हद की। तो देखिए वीडियो में पूरा आगे इस घटनाक्रम का। वीडियो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या हुआ है, अटैक हुआ था हमारे ऊपर, कंटिन्यू 50 लोग हमारे को मार रहे थे, कंटिन्यू 50 आदमी हमारे को मार रहे थे। हमने 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, वो कांस्टेबल क्या बोलता है, तुम लोगों की मां छुड़ाओ, मैं चला। उस कांस्टेबल का मेरा और कुछ नहीं, मैं ये नहीं बोलता उसके ऊपर अभी कार्रवाई करो, मैं ये नहीं बोलता अभी कार्रवाई करो, मुझे मालूम है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, लेकिन वो FIR में हम जो बयान दे रहे हैं सत्य बता रहे हैं। हमारा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड था उसमें वैसा एक लाइन आने दो जो हमने 100 नंबर पे कॉल किया हो, फलाने पुलिस वाले वहाँ आए, उनको हमने बोला साहब बचाओ, तो उन्होंने बोला क्या तुम लोग अपनी मां छुड़ाओ, मैं चला यहाँ, वो स्टेटमेंट उसमें आना चाहिए। मेरा ये डिमांड है कमिश्नर साहब, बोलता नहीं आएगा, मत करो, दिशा बोल कर मेरा नाम शुभम झा है। क्या हुआ था सर? रात 12 बजे हम लोग यहाँ से मूर्ति विसर्जन करके घर के लिए गए थे, मंदिर पे लास्ट आरती करके हम लोग वहाँ से अपने घर पे आ रहे थे। उस बीच बिठल मालवी चौल के पास अंधेरे में 4-5 लड़के ने हम लोग के ऊपर डायरेक्ट हमला किया। हमला के बीच मेरे जेब में जो भी पैसे थे और फोन थे उन्होंने लेने की कोशिश किया, पैसा तो ले ही लिए, फोन वहीं गिर गया जो मुझे बाद में मिला। वहाँ पे हमने बाहर आया, मुझे प्रकाश मिला, मैं प्रकाश को बोला भाई ऐसा ऐसा पैसा छीन के और मारे भी हैं। उन्होंने बोला कि चल कौन है देखता हूँ मैं, पीछे उनके मुन्ना था वो बोला मैं भी आता हूँ चलो। हम लोग आए यहाँ, आगे एक डंडा लेके कि चोर है, हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि इन लोग का कुछ मर्डर का ऐसा प्लानिंग है। हम लोग जैसे आए ये लोग 40-50 लड़के प्रहार कर दिए डंडे और के। जब प्रहार होना चालू हुआ हम दो लड़के अलग गली में हो गए, ये दो लड़के अलग मारने लगे, इनको 25-30 जन इनको मार रहे थे, 25-30 जन हम लोग को मार रहे थे। हम लोग ने जान बचाने के लिए किसी के घर में जा छुपा, छुपने के बाद वो घर वाले तैयार नहीं हुआ रखने को, उन्होंने बोला जल्द से जल्द मेरा घर छोड़ो। हमने 100 नंबर पे पुलिस की सहायता मांगी, पुलिस हालांकि आई बट आधा घंटा बाद आई, जब तक हम लोग की आधी जान निकल चुकी थी, अगर 10 मिनट और लेट होती तो हम लोग आज भी यहाँ नहीं होते। वहाँ आने के बावजूद भी पुलिस ने हम लोग को हाथ पकड़ के बाहर नहीं ला के उन लोग से ये बात करने की क्या हुआ था, हम लोग मार खा रहे। हमने पुलिस को देख चोरी से छुपे से अपना जान बचाकर भागा रूम पे,
मैंने दूसरे को रूम पे छोड़ा, मेरे साथ जो लड़का थे बाद में पुलिस वाला ना उनको लेके आ रहे थे। आते टाइम हम जब इधर भाग के आ रहे थे तो देखा विकास और प्रकाश और मुन्ना मार खा रहे थे। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला सर इधर रुको, सर इधर रुको, मार रहे हैं सर बहुत लोग। इन्होंने बिल्कुल नहीं रोकने को तैयार हुआ, इन्होंने डायरेक्ट बोला तू अपनी मार चुका, हम तुम्हारे लोग साथ नहीं देंगे, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, इतना कह के निकल गए। फिर मैं वहां से भी जान बचा के भाग गया। उसके बाद भी मैंने चार बार पुलिस को फोन किया कि सर मुझे कंप्लेंट डालना है और यहाँ 40 लड़के खड़े हैं, मैं कैसे आऊँ चौकी तक। उन्होंने चार फोन करने के बाद मुझे 3 बजे सहायता की पुलिस लेकर आए वहां पे। क्या हुआ था एक्चुअली? मेरा ऐसा बोलना है कि ये पुलिस सिस्टम क्यों है? पुलिस सिस्टम है कि आम आदमी को प्रोटेक्शन मिल सके, आम आदमी को एक सिक्योरिटी का भावना अंदर रहे, सुरक्षित महसूस करे, लेकिन ये पुलिस के मौजूदगी में इनको मार खाते हुए छोड़ दिया। इतना बड़ा मॉब इनके ऊपर अटैक किया हुआ है, पुलिस की क्या ड्यूटी थी? वहाँ फोन करके वो फोर्स बुलवा सकते थे, अब उसका जान बच जाता अगर पुलिस अपना एक्शन सही से काम करता तो। पुलिस ने, पुलिस वाले ने मरते हुए उनको छोड़ दिया। ये उनकी वाइफ है, देखो हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।